आराम से है, व्यवस्था कैसी है? बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिटिया। करीब 51 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इन स्पेशल्स का लाभ उठा चुके हैं। बड़े स्टेशन पे व्यवस्था की गई है। दीपावली के बाद अब छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर है। छठ पूजा को लेकर बड़ी संख्या में लोग अलग अलग राज्यों से अपने अपने घरों के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस दौरान रेलवे की व्यवस्थाओं में खामियों के चलते कई बार उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस साल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार की शाम अचानक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि इस साल पिछले साल के रिकॉर्ड से कई अधिक स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रेल मंत्री ने कहा कि 150 ट्रेन और चलने की व्यवस्था की जा रही है। इस हिसाब से 76,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुवार शाम तक 51 लाख लोग इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़े स्टेशनों पर स्टेशन के बाहर यात्रियों की संख्या को देखते हुए तैयारी की गई है। दिल्ली में नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन के बाहर सफर करने वालों के लिए बड़ा पंडाल लगाया गया है, जिसमें पंखा, लाइट, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था है। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार काउंटर और बोर्ड्स लगाए गए हैं, ताकि हर ट्रेन का समय और जानकारी वहाँ बैठे लोगों को मिलती रहे। छठ पर बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। वहीं आपको बता दें, कुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले लोगों की संख्या भी लाखों में होगी। इसके लिए भी रेल मंत्रालय की तरफ से खास तैयारियां हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। कुंभ में जो भक्तजन जाएंगे, उनका मूवमेंट बहुत साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। गाड़ी कितने बजे है? 8:40। आराम से है, व्यवस्था कैसी है? सही, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिटिया। क्या नाम आपका? पिछले साल रिकॉर्ड 4,500 और इस साल उस रिकॉर्ड से भी ज्यादा करीब 7,435 स्पेशल चल रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है। कल शाम तक करीब 51 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इन स्पेशल्स का लाभ उठा चुके हैं। बड़े स्टेशन्स पे व्यवस्था की गई है। मुंबई एरिया में, बेंगलुरु एरिया में, चेन्नई एरिया में, कोयम्बतूर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, उन सब जगह जैसा आप देख रहे हो, ये स्पेशल होल्डिंग एरिया बनाया गया है। टिकटिंग के लिए ऑलरेडी स्पेशल मशीन्स लाई गई है और हर जगह पैसेंजर्स को कम से कम तकलीफ हो, आराम से, सुविधा से जा सके, वैसी व्यवस्था की गई।